नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन कर्ड। बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 एग योग लेंगे। पांच एग योग लेने के बाद इसमें हम कैस्टर शुगर डालेंगे 125 ग्राम। और शुगर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको हम डबल बॉइलिंग पे रख देंगे पकाने के लिए। इसको डबल बॉइलिंग में पकाएंगे, अगर डायरेक्ट पकाएंगे तो ये जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। तो इसके साथ हम ले लेते हैं लेमन, 2 लेमन का जेस्ट लेंगे। दो लेमन का जेस्ट लेने के बाद इन्हीं 2 लेमन का हम जूस निकालेंगे। लेमन जूस निकालने के बाद इस लेमन जूस को हम स्ट्रेन कर लेंगे। और शुगर को थोड़ा पक जाने के बाद इसमें हम 125 ग्राम बटर डालेंगे। और इसको फिर अच्छे से पकाएंगे। बटर को मेल्ट होने के बाद इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम लेमन जूस। लेमन जूस स्वाद के अनुसार डालें। जैसे 2 लेमन कम पड़ रहे हो तो इसमें 1 और लेमन ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लग रहे हो तो कम कर सकते हैं। वैसे 2 लेमन इनफ है फॉर दिस रेसिपी। लेमन जूस डालने के बाद इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। थोड़ा सा थिक हो जाने के बाद इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे। और लेमन जस्ट डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और थिक होने तक पकाएंगे। हमारा लेमन कर्ड तैयार है। अब हम इसको डबल बॉइलिंग से उतार देंगे। हमारा लेमन कर्ड रेडी है। आप इस लेमन कर्ड को लेमन कर्ड टार्ट में यूज कर सकते हैं, लेमन कर्ड चीज केक में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डेजर्ट हैं जिसमें आप लेमन कर्ड को यूज कर सकते हैं।